नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं दुबारा। दर्शकों, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील हम करना चाहते हैं। आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग चाहिए होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला है, इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। मैनेज करने के नाम पर एमजीएम थाना के एसआई घूस लेते हुए गिरफ्तार, एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा, घर पर भी की छापेमारी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए टाटा स्टील के बाद अब टाटा मोटर्स में भी दिखी सख्ती, टीका नहीं लेने वाले कर्मियों को 20 सितंबर से नहीं मिलेगी एंट्री। राजनगर के रानी गांव के पास निर्मल महतो नामक एक 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। फुटबॉल खेल देखने निकला था युवक। विश्व हिंदू परिषद के इकाई बजरंग दल द्वारा लव जिहाद के बढ़ते मामले के खिलाफ जिला पुलिस मुख्यालय पर किया गया जोरदार प्रदर्शन। 7 सितंबर यानी मंगलवार को इंटरनेशनल क्लीन डे के अवसर पर जमशेदपुर अक्षेत्र की ओर से जागरूकता रथ को किया गया रवाना। हर दिन हो रहे प्रदूषण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से निकाला गया रथ। नागरिक अधिकार मंच ने जुबली पार्क को लेकर अपने आंदोलन की घोषणा। 2 दिनों में अगर जुबली पार्क का गेट नहीं खुला तो जिसको पर दर्ज होगा मुकदमा। नागरिक अधिकार मंच ने दिया आंदोलन का ऐलान। बाबा वैजनाथ धाम मंदिर खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपा विधायक विधानसभा में पहुंचे, डमरू बजाते विरोध करने का दिखा विधायक का अनोखा अंदाज। कोल्हान विश्वविद्यालय ने डॉक्टर के अखौरी को किया निलंबित। महिला शिकायत निवारण कोषांग व अनुशासन समिति की बैठक में लिया गया फैसला। अपने स्टूडेंट से छेड़खानी का है आरोप। कोटका के शानी मंडल को अब पढ़ाई में नहीं होगी दिक्कत। मुंबई की संस्था ने पढ़ाई के लिए हर साल 20,000 रुपए देने की ठानी। कोविड-19 में ईशानी के पिता का हुआ था देहांत। झारखंड विधानसभा में विधायक सरयू राय के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के आयोजन में अनियमितता पर एसीबी से विशेष जांच के दिए थे आदेश। इस कार्यक्रम में गायिका सुनिधि चौहान को किया गया था आमंत्रित। 2024 तक कोटका के 200 से ज्यादा गांव में पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। योजना तैयार, 267 करोड़ लागत लगने की जताई जा रही है आशंका। जमशेदपुर से 4 ट्रेनें 48 मिनट चल रही हैं लेट, लोगों को हो रही है परेशानी। आज से स्टील एक्सप्रेस धनबाद पैसेंजर भी हुई शुरू। नवाड ने जमशेदपुर के मुसाबनी के 9 गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लिया निर्णय। 36 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव हुआ तैयार, लोगों को जल्द ही उपलब्ध होगा शुद्ध पेयजल। कोडरमा के रहने वाले प्रेमी जोड़े ने धनबाद में की आत्महत्या। 2 बच्चों की मां के साथ भागा भांजा, जहर खाकर दोनों ने दी जान। युवक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह में दीवार गिरने से एक की हुई मौत। निर्माण के दौरान हुआ हादसा, निर्माणाधीन शौचालय टंकी की दीवार गिरने से 2 और मजदूर हुए जख्मी। मांडू के वीडियो घूस लेते हुए गिरफ्तार। मुर्गी शेड निर्माण के लिए मुखिया से मांगी थी 45,000 की रिश्वत। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में धनबाद समेत 8 निकायों में पहले चरण में 50 दिन में 5,000 घरों में दिया जाएगा फ्री वाटर कनेक्शन और मीटर। लोगों की बड़ी उम्मीद। पलामू में स्कूल की बालकनी गिरने से 6 छात्राएं हुए जख्मी। 25 फीट नीचे गिरी 6 छात्राएं। हर साल की भांति इस साल भी 7 सितंबर को बैंक ऑफ इंडिया ने मनाया स्थापना दिवस। 116वें स्थापना दिवस पर डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में लगाया 116 छायादार और फलदार वृक्ष। सोनारी के कागल नगर बाजार में हर माह की तरह इस माह भी अमावस्या के दिन काली पूजा का हुआ आयोजन। बाजार के दुकानदार सहित स्थानियों ने श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में अलग से नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के खिलाफ राज्य भर में भाजपा ने किया आंदोलन। जमशेदपुर में भी निकाली गई प्रदर्शन रैली। पिछले 20 साल से ऋण पास में सिर्फ 4 पदों पर ही हुई है नियुक्ति, 740 पद हैं खाली। टूंडी विधायक को झामुमो ने दिया नोटिस, कहा बिहार कोयलरी मजदूर संघ का पदाधिकारी बनने पर मांगा गया है जवाब। खूंटी में जमीन विवाद पर पोते ने बुजुर्ग की ली जान, लाठी डंडे से पीट कर बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। तो आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24।